दोस्तों आज हम मेरे मित्र आरिंदर सिंह से पैराफिजम मिलेंगे और आज मेरा ये मैसेज है कि आपको इंजरी लेवल क्या है, कंप्लीट है इनकम्प्लीट है, ये कुछ मैटर नहीं करता, लेकिन मैटर ये करता है कि आप कितनी एक्सरसाइज करते हैं। चाहे आज आप व्हीलचेयर में हो, लेकिन दो साल के बाद तो यही मैटर करता है कि आप कितना चल पाते हो, क्या आपने पाया है, यही मैटर करता है। चलिए, मेरा नाम महेंद्र सिंह अमर सिंह राजपूत है। इनका एक्सीडेंट कब हुआ था आपका? मेरा 25/11/2016 के दिन अचानक ही मेरे पड़के में एक साइड दर्द हुआ था और उसके बाद मेरे दोनों पाँव में दर्द होने लगा था और कमर के भाग से नीचे सब पूरा शरीर फट रहा था, जैसे कि मुझे हवा लगे उससे और ज़्यादा दर्द हो रहा था। मैं बैठ भी नहीं सकता था, तो वहीं से मेरे दोनों पाँव 90 डिग्री के ऊपर मुड़ गए थे और नीचे से एंगल ड्रॉप हो गए थे। इसके बाद मैं पढ़ाई पढ़ा रह गया, फिर मैं बैठ ही नहीं सकता था बिल्कुल। फिर सीधा वहाँ से फिर मुझे ऑपरेशन करवाया, हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ आगे फिर मेरा MRI वगैरह 2-3 बार निकाली गई, उन्होंने 15 दिन के लिए तो ऐसे ही अरे इंजेक्शन से अच्छा हो जाएगा, स्पाइन कोई दब रही है ऐसा वगैरह करके चलाया। 15 दिन के बाद इन लोगों ने डिसीजन लिया कि नहीं ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। तो मेरी डिस्क थी एक पूरी डिफ्यूज हो गई थी और L5 के ऊपर की जब गादियाँ दी सबकी सब सिमट के भेगी हो गई थी। तो उसके बाद उन लोगों ने ऑपरेशन करके गादी वादी मेरी सेट की, तो उसके अंदर फिर मेरा दोनों कमर के नीचे वाला भाग जो पाँव थे दोनों चलते नहीं थे, बिल्कुल लगता था कि उसके अंदर जान है ही नहीं। एक पाँव तो बिल्कुल बंद ही हो गया था लेफ्ट साइड का था। उसके बाद बोला कि अब बोले धीरे धीरे 6 महीने के बाद एक्सरसाइज करो, 6 महीने के बाद तुमको रिकवरी का चांस होंगे, फिर ऊपर वाला जैसी रिकवरी आपको देगा वैसी रिकवरी आएगी फिर बाद। ओके ओके। अच्छा, मैं इनको 2 साल से करीब जानता हूँ और जब मैंने उनको देखा तो ये बिना यानी एंकल सपोर्ट के ये आ रहे थे और उनको ने पैरों में कुछ भी नहीं पहना था, यानी उनको काफ़ी स्ट्रेंथ थी पैरों में भी। और आप ये बताइए कि उस वक्त आपको काफ़ी कुछ मूवमेंट आ गई थी और आपने कितने घंटे एक्सरसाइज की है? मैंने कसरत तो एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं करी है, सिर्फ एक ही घंटा जो मुझे हॉस्पिटल की तरफ से करा देते वहीं जाके एक्सरसाइज करता था। और आपका लेवल कौन सा है? L5 है। ये L5 लेवल है और एक ही घंटा एक्सरसाइज की है, फिर भी उन्होंने काफ़ी कुछ अचीव किया। मैंने इनको देखा है कि ये तब जब से पहले से देखा तो 5-5 kg की सैंडविच से ये करते थे और एक घंटा काफ़ी इन्होंने मेहनत की है। हाँ, इतना था कि एक्सरसाइज जो भी करता अपने मन से करता था। हाँ, तो ये तो मैं भी गवा हूँ इनके साथ, तो और मेरा तो काफ़ी इनके जैसा नहीं था, फिर भी अभी मूवमेंट में मैंने तो 12 घंटे एक्सरसाइज की है। मेरे कंपेयर में तो इन्होंने कुछ भी नहीं किए, लेकिन एक घंटा भी जो मैंने देख रहा था तो ये तब 5-5 kg वो उठा पाते थे सैंडविच से भी। हाँ, एक सेकंड आपके वो पैर दिखाइए। देखिए, मैं एंकल की बात करता हूँ कि इनके एंकल है जो वो इसमें पूरी की पूरी उंगलियाँ चिपकी हुई है और ये हिल भी नहीं रही है क्योंकि उन्होंने एक्सरसाइज नहीं की है। बाकी ये जो खड़ा होना बहुत ही बड़ी बात है कि मेरे इतने नहीं होते, देखो ये एंकल मेरा इतना ही होता है और एक्सरसाइज करने से ये मेरी उंगलियों में काफ़ी जान आ गई है जो उनको चिपक गई है पूरी की पूरी, वो चिपक नहीं जाए इसलिए इन्होंने टोर्स ऑपरेटर नहीं डाले हुए, कभी की नहीं हुए, इसलिए यहाँ जो एक्सरसाइज जो आनी चाहिए जो ये काफ़ी आ नहीं रहे, जो मेरे देखो ये पूरा हो रहा है ऐसे, जो इनका नहीं हो रहा है ऐसे। बाकी ये एंकल जैसे अप होना बहुत बड़ी बात है, अगर ये अप हो रहा है तो उसमें काफ़ी इसमें स्ट्रेंथ है और काफ़ी आने की उम्मीद भी है, जिन नई एक्सरसाइज करने की वजह से ये इनका ये उंगली का ऐसा हाल है। और ये देखो ये पूरा का पूरा ऐसा पंजा ऊपर हो रहा है उनका, जो बहुत यार ऐसा पंजा ऊपर होने से बॉयल और यूरिन में काफ़ी अच्छा फर्क पड़ता है, जो मेरा नहीं हो रहा है इतना। देखिए देखिए आप एंकल को तो आपने देख लिया, अब इन्होंने मुझे 1 साल पहले भी पूछा था कि मैं चल पाऊंगा या नहीं, मैंने उनको तभी भी बताया था कि आप 1 घंटा भी एक्सरसाइज करो चलना तो आपका ऐसे भी आ जाएगा, बताया था कि नहीं? हाँ बताया था मुझे। तब आपको सख्त था ना चलने में पहले? हाँ, चलने में थोड़ा मैं चल नहीं पाता था, वॉकर पकड़ता था तो भी वॉकर से लगता था अभी हाल गिरा है अभी हाल गिरा, साइड में सपोर्ट लेके ही चलना पड़ता था मुझे। अब ऐसा नहीं है कि अब मुझे खुद अकेला ही स्टिक लेके आता हूँ और जाता हूँ, मेरी पहले वाइफ साथ में ही रहती थी मेरे 24 आवर्स, उनके बिना मैं चल नहीं पाता था। अब ऐसा नहीं है, अब मैं काफ़ी अच्छी तरह से अपने स्टिक लेके खुद ही चलता हूँ, ऑटो में बैठ के आता हूँ, ऑटो में बैठ के जाता हूँ, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं आती अंदर तक, कोई छोड़ने भी नहीं आता है पहले से, बहुत अच्छा है पहले से। और देखिए एक ही घंटा एक्सरसाइज की है इन्होंने दिन में। हाँ, और एक्सरसाइज मैंने सिर्फ 1 घंटे ही की, अगर मैं ऐसा बोलता अगर निखिल भाई जितनी एक्सरसाइज मैं करता ना तो मैं आज की तारीख में दौड़ता होता। हाँ, अभी एक चलने भी हम देख लेते हैं। देखो मैं आपने देखा कि मेरे से भी उनका काफ़ी पैर अच्छा है, यानी कि पूरा का पूरा एंकल अप हो रहा है, सिर्फ एक्सरसाइज नहीं करने की वजह से इनको ये हुआ है। हम चलने के भी हम बता देते हैं कि हमारा कितना डिफरेंस है।
हाँ देखा अपने के चलने में कितना डिफरेंट है, यानी कि उनकी एक्सरसाइज नहीं करने की वजह से उनका थोड़ा आपने देखा होगा कि कैसे थोड़े चल नहीं पाते ठीक से। अगर वो ठीक से ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो आप हमसे उसी पूछ लेंगे आप कैसे करोगे आप एक्सरसाइज। ना ना एक्सरसाइज अब मैं खुद ही अपने आपकी तरफ से बढ़ाऊंगा एक्सरसाइज को, वही एक घंटे करता इसका 4-5 घंटे तो करूंगा ही करूंगा एक्सरसाइज। गुड गुड गुड। मुझे चलने के अंदर डिफिकल्टी लगता है थोड़ा कि एक साइड खींचता सा है और क्रॉस जैसा हो जाता है। क्योंकि जब ये वॉकर से चल के आते थे मैं कहाँ कैसे आता था। हाँ जब मैं वॉकर से आता था व्हील चेयर के ऊपर आते थे और काफ़ी इनके तो पाँव बिल्कुल उठते ही नहीं थे, 1 किलो वजन भी नहीं उठाते थे जब मैं 3 kg और 4 kg तक उठाता था मैं वजन। तो ये 2 साल में देखो ये कितना इम्प्रूवमेंट मेरा आ गया एक्सरसाइज की वजह से, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। और उन्होंने देखा है इन्होंने इनकी इनकी देख के ही मुझे भी हिम्मत आती है कि हाँ नहीं मैं चल सकता हूँ, इसलिए मैं भी चलने लगा। नहीं मैं भी शायद चल नहीं पाता, जितना पक्का मालूम था कि मैं अब नहीं चल पाऊंगा मुझे ऐसा ही लगता था, डाउट रहता था। इन्होंने बोला नहीं एक्सरसाइज करो एक्सरसाइज करो, मैं अपने बस फिर भी मैं 1 घंटे ही एक्सरसाइज करता था, करता ही नहीं था क्योंकि मेरा कहीं ना कहीं दर्द होता ही रहता था, दर्द के कारण मैं एक्सरसाइज भी नहीं कर पाता था। लेकिन ये जब भी मुझे मिलते थे इसी तरह मुझे सलाह देते थे बोले नहीं तुम एक्सरसाइज करो, भले 1 घंटा नहीं 1 घंटा ही करो लेकिन करो अपने मन से करो कसरत। उससे मुझे काफ़ी यानी इनके कहने से करने से मुझे बहुत आराम मिला अभी हाल में, और अभी भी मुझे सलाह यही देते हैं, खास मुझे सलाह देने के लिए अक्सर मुझे यहाँ मिलते हैं आके। ओके तो देखिए भाइयों मैंने आपको बताया कि एक्सरसाइज से कितना फ़ायदा होता है, आगे ऐसे बहुत सारे पेशेंट के मैं आपको वीडियो डाउनलोड करने वाला हूँ। ओके बाय टेक केयर।